अरे बेटा, मैंने सुना तेरी बोर्स हो गई। हाँ बाबू भैया। तो बेटे, दोस्तों की याद तो आ रही होगी। हाँ वो तो है, पर आपको कैसे पता? बेटे, जो तुम आज कर रहे हो वो हम 50 साल पहले कर चुके हैं। आप स्कूल भी गए हो? अबे साले, लेकिन बेटे अभी अपने स्कूल का एक किस्सा याद आ रहा है मुझे। जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था तब एक मेरा दोस्त हुआ करता था कंचा लाल। एक दिन जब मैं बेंच पर बैठ रहा था उसने मेरे नीचे एक राउंडर रख दिया। फिर बेटे जब मैं उस राउंडर पर बैठा हूँ तब मुझे दुनिया की सबसे चरम सुख प्राप्ति हुई है बेटे, वो आज तक याद आती है। आय हाय 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 बेटे। तो अगर आपका हो गया हो तो फिर हम शुरू करते हैं। वो दिन भी क्या दिन थे। ये सफ़र जो शुरू होता है स्कूल न जाने की जिद से और ख़त्म स्कूल में कुछ और दिन बिताने की चाहत से, तो जनाब होता क्या है इस सफ़र में? तो आइए ले चलते हैं आपको स्कूल के उन दिनों में जब एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है तो ना वो किसी को जानता है ना उसे कोई जानता है। अनजान लोगों के बीच शुरू हुआ यह सफ़र, कब दोस्त बनते जाते हैं, कब यादें जुड़ती जाती हैं पता ही नहीं चलता, और ये दोस्ती कब गहरी होती जाती है, और आखिर में इन सारे दोस्तों के बीच एक छोटा सा परिवार जैसा महसूस होता है। वो असेंबली ना करने के बहाने और वो रिसेस में कुत्तों की तरह छीन के खाना, और फिर वो पीछे वाली बेंच पे बैठ के सोना, और फिर क्लास की आखिरी बेल का इंतज़ार करना। दिल कहता है कि कुछ और दिन बिताए जाएं इनके साथ, पर ज़िंदगी है जनाब, अगर आगे जाना है तो कुछ पीछे छूटता तो ज़रूर, मगर क्या करें, आगे तो बढ़ना है तो पीछे कुछ छोड़ना पड़ेगा। कमाल है ये ज़िंदगी यार, जब हम छोटे होते हैं तब लगता है कि कितने जल्दी बड़े हो जाएं, और जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तब लगता है कि यार वो बचपन ही अच्छा था। ज़िंदगी है जनाब, हर मोड़ पे घुमाती है, इसीलिए हंसते रहो, हंसाते रहो, और जो भी करो खुश रहो। हाँ तो फिर आज का वीडियो इतना ही। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।